वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद अशोक कुमार के निर्देशन में आज नगर में एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र और नगर मजिस्ट्रेट गुलशन कुमार के नेतृत्व में सीओ सिटी सहित सभी थाना प्रभारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। अधिकारियों द्वारा ईद के मौके पर होने वाली नमाज और कुर्बानियों के स्थान पर निरीक्षण किया गया और बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो इसके लिए पुलिस फोर्स सहित पीएसी फोर्स हर संवेदनशील जगह पर तैनात रहेगा। सराय किस तरीके का फ्लैग मार्च जनपद किया गया? ये ईद उल अजहा का पर्व है कल, जिसे बकरीद भी कहते हैं हम लोग। कल सुबह से ही नमाज और उसके बाद फिर कुर्बानियों का सिलसिला शुरू होगा। तो इसमें आज ये हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है शहर में। अभी ये प्रक्रिया लगभग 2-2.5 घंटे तक जारी रहेगी। विभिन्न थाना क्षेत्रों में टुकड़ियाँ बना बना के अलग अलग ये फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। इसके उपरांत हम लोगों ने पूरा ड्यूटी वगैरह सब लगाया है और एक पूरे जनपद की समस्त फोर्स को इसमें इन्वॉल्व किया है। इसके अतिरिक्त एक कंपनी और एक प्लाटून पीएसी को अतिरिक्त लगाया गया है और किसी भी तरह कानून शांति व्यवस्था को अक्षुण रखा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि कोरोना संबंधी समस्त प्रावधानों का पालन कराया जाएगा। ठीक है।